श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कहा जाता है कि कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसमें एक प्रकार के अद्भुत शक्ति होती है। जीवन में अच्छे या बुरे वक्त की उसे जानकारी पहले से ही हो जाती है। पंडित जी के अनुसार भी, शास्त्रों के अनुसार भी कौवे से जुड़ी कुछ बातें ऐसी उल्लेख करती हैं जो आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। किस तरह व्यवहार करता है शुभ और अशुभ शगुन के रूप में कौवा, आइए जान लेते हैं। वैसे तो पहले के मुताबिक इस समय वर्तमान में कौवे की तादाद काफ़ी कम हो चुकी है। अगर आपको कौवा कहीं नज़र आए और उसे आप इस अवस्था में देख लें तो आप समझ जाइए कि आपको क्या संकेत मिलने वाला है। अगर घर की छत पर दोपहर के समय, दोपहर से पहले ही कौवा स्वर बोलने लगे और उत्तर दिशा की ओर उसका स्वर सुनाई दे तो आप समझ लेना कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद यह समय है। स्त्री सुख का भी यह संकेत होता है। यदि आप ऐसा सुने तो आप ये भी संकेत समझिए कि आपके घर में कोई मेहमान भी आने वाला है। कौवे को लेकर ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि कौवा भूमि खोदता हुआ नज़र आता है तो आपको भारी धन लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कौवा किसी बर्तन में पानी पीता हुआ नज़र आए, पानी पीता हुआ दिख जाए बर्तन में या फिर कहीं भी नदी, तालाब, कुआ, बाबड़ी ऐसी जगह पर आपको कौवा दिख जाए तो आप समझिए कि आपको धन लाभ होने वाला है। जिस काम से जा रहे हैं वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। अगर कौवा हरे भरे वृक्ष पर अपना घोंसला बना लेता है तो कहा जाता है कि बारिश होने का संकेत है। अगर कौवा मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए नज़र आए, मुंह में अनाज का टुकड़ा भी लिए नज़र आए तो समझ जाइए कि आपकी मनवांछित इच्छा पूरी होने वाली है। अगर सुबह के समय कौवा उड़ता हुआ आकर पाँव से स्पर्श कर जाए या फिर आपके सिर के ऊपर से निकल कर चले जाए तो समझ जाइए कि आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत मिलने वाले हैं। खुशियाँ आपके घर आने वाली है। उन्नति की ओर आप जो कदम बढ़ा रहे हैं उसमें आपको उन्नति ही मिलने वाली है, धन लाभ मिलने वाला है। अगर कौवा घर के मेन गेट पर आकर काँव काँव की रट लगा लेता है तो यह संकेत समझिए कि आपके घर में कोई मेहमान भी आने वाला है जो कि काफ़ी खुश खबरी लेकर आएगा। यानी कोई भी मेहमान आने वाला है और आपका करीबी मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, बहुत ही करीबी मेहमान हो सकता है। अगर कौवा घर के आंगन में किसी बर्तन में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर आप खाना या पीने का पानी रखते हैं वहां पर नज़र आए तो आप समझिए कि आपको धन लाभ होने वाला है। आपकी यात्रा जहां भी जा रहे हैं वो यात्रा आपको सफल कर देगी। आप जिस भी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, लंबी टूर की प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। अगर कौवा किसी वस्त्र का टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर उड़ता हुआ नज़र आए या उसकी चोंच में बिना उड़े भी कहीं बैठा हुआ नज़र आए तो ये समझ लीजिए कि आपको शुभ संकेत मिलने वाले हैं। कहीं से आपको खुशखबरी मिलने वाली है, आपके घर में संतान प्राप्ति होने वाली है, आपके करीबी कोई रिश्तेदार के घर में संतान प्राप्ति होने वाली है। अगर कौवा घर के मेन गेट पर आकर रोज़ बैठता है तो आप समझिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास है। आपके घर के बाहर कौवा बैठता है, आप ये समझिए कि दरिद्रता आपके घर से जाती नज़र आएगी, आपको आपकी मनवांछित इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसे ही कई और भी उपाय हैं जो हमारे चैनल पर डले हुए हैं। कई ऐसी रोचक बातें हैं, रोचक तत्व हैं जो आपको सुनने पर हैरान कर देंगे। आप इन उपायों को अवश्य देखिएगा। ऐसे ही कई जानकारियां हमारे चैनल पर आपको और भी मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों फैमिली तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।